तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के थंबनेल को ही देखकर आज समझ गए हो कि हम आपको क्या अपडेट्स देने वाले हैं, क्या आपको बताने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रधानाचार्य के घर पर हो रहा था मैथ का कॉपी हल यूपी बोर्ड 2019 पेपर का। तो फ्रेंड्स, उसी के लपेट में क्या अपडेट्स है, क्या न्यूज़ आई है यहाँ पर अमर उजाला के ऑफिशियल न्यूज़ पर, मैं आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे नकल हो रही थी और कौन कौन से लोग यहाँ पर पकड़े गए हैं, कौन कौन यहाँ पर कापियाँ लिख रहे थे। इन सभी की अपडेट्स मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपको यूपी बोर्ड की पल पल की अपडेट्स देते रहते हैं। इस चैनल पर कोई भी न्यूज़ और नोटिस आती है, वीडियो सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ घंटे वाले बटन पर प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हम अमर उजाला के ऑफिशियल .com के वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पर देख पा रहे हो कि यूपी बोर्ड परीक्षा प्रधानाचार्य के घर हल हो रहा था गणित का पेपर, 375 कापियाँ जब्त। यानी कि फ्रेंड्स, 375 कापियाँ यहाँ पर पकड़ी गई, जो कि यहाँ पर प्रधानाचार्य के घर लिखी जा रही थी। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्या लिखा है कि मथुरा के गोवर्धन क्षेत्र के दीनदयाल इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट गणित का प्रश्न पत्र प्रधानाचार्य के घर में ही हल किया जा रहा था। कई सालवर्ड लगे तो यहाँ पर खुद प्रधानाचार्य की पत्नी भी उत्तर पुस्तिका में सवालों का जवाब लिखने की तैयारी में थी। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि प्रधानाचार्य की पत्नी भी उसकी उत्तर पुस्तिका को लिखने की यहाँ पर तैयारी में थी। और यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब यहाँ पर पर्यवेक्षक यहाँ पर डायट प्रचार्य के मुकेश अग्रवाल ने टीम साथ छापा मारा, तो सालवर्ट कमरे में बंद करके भाग गए। यानी कि फ्रेंड्स, वो कमरे में बंद करके भाग गए और पुलिस की मौजूदगी में जब कमरे का ताला खोला गया तो भीतर से 375 कापियाँ पेपर की फ़ोटो स्टेट कापी और गाइड मिली। यानी कि फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हो रहा है नकल कराने के लिए, कितनी कितनी बड़ी साजिश से यहाँ पर कर रहे हैं अभी भी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सोमवार को गणित के पेपर में नकल का बड़ा खेल पकड़ा गया। दीनदयाल इंटर कॉलेज में 375 कापियाँ प्रधानाचार्य के घर से बरामद की गई। यानी कि फ्रेंड्स, 375 कापियाँ जो कि प्रधानाचार्य के घर से बरामद की गई और इन कापियों में इंटर गणित के सवाल का जवाब लिखने की तैयारी में जा रही थी। यानी कि फ्रेंड्स, इन कापियों में इंटर की पेपर, यानी कि इंटर के पेपर गणित का यहाँ पर जो कि जवाब लिखने की तैयारी में थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि फर्श पर पड़ी यहाँ पर उत्तर पुस्तिका, यानी कि फ्रेंड्स पर फर्श पर मिली सारी, यानी कि जो जब वहाँ पर ताला खोला गया तो सारा यहाँ पर फर्श पर मिली कापियाँ। और क्या यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जिस कमरे में यह कापियाँ मिली वह स्कूल के ऊपर ही बना है। यानी कि फ्रेंड्स, और प्रधानाचार्य का निवास यूपी बोर्ड के जिला पर्यवेक्षक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल ने बताया कि ठीक 2:30 बजे यहाँ पर कॉलेज में पहुँचे थे, यहाँ परीक्षा दे रहे और छात्र बांटे गए प्रश्न पत्रों की संख्या को चेक किया तो एक प्रश्न पत्र कम मिला। यानी कि फ्रेंड्स, एक प्रश्न पत्र कम मिला और प्रधानाचार्य से पूछा तो वह असंतोषजनक नहीं दे सके। कुछ देर बाद यहाँ पर पर्चा मिला और जब यहाँ पर गहनता से जांच की गई तो पता चला कि परिसर में प्रधानाचार्य का निवास है और वह एक कमरे में कापी लिखने की तैयारी चल रही है। जब टीम वहाँ पहुँची तो मौजूद लोगों कमरे को बाहर से बंद कर भाग गए। यानी कि फ्रेंड्स, यह पता चला कि वहाँ पर नकल हो रही है तो वहाँ पर जाके पहुँचे तो उस कमरे में बंद करके उससे भाग गए। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पर कर रहे हैं और एक पेपर को हल करने में 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार रुपये यहाँ पर ले रहे हैं एक कैंडिडेट्स को पूरा कापी हल करने के लिए। तो बताइए कि इतना सख्त नकल रोकने के बाद भी इतनी कड़ी यहाँ पर नकल हो रही है, तो इसको जल्दी से जल्दी यहाँ पर रोकिए, नहीं तो आपका पूरा जो है कापी सील हो जाएगा और फिर से आपको यूपी बोर्ड का दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जो रंगे हाथों पकड़े गए हैं वो तो 3 साल किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं करा पाएंगे। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो में यही सलाह देता हूं कि आप ऐसी गलती मत कीजिए ताकि आपको भी 3 साल के लिए किसी भी कॉलेज में एडमिशन ना मिले। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से थोड़ा सा नॉलेज मिल गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम कोई भी यूपी बोर्ड की जानकारी अपडेट्स डालें तो उसकी जानकारी आपको आसानी से मिल सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।